हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार से फ्रेमोवी फूड पे स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, मैं आप लोग को जो रेसिपी बता रहा हूँ वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और ये कोई फेक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक होटल में काम करता हूँ, और जो भी आप लोग को मैं रेसिपी बताऊँगा वो रियल ही बताऊँगा। ऐसा मत सोचिए कि ये जो रेसिपी हम बताते हैं चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी वगैरह वगैरह, तो वो सही नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं, वर्दी देख के आप लोग को पहचान में आ गया होगा, और पहचान दी होगी कि ये बंदा होटल में काम करता है। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल पसंद आ रहा है और आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। दोस्तों, आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। क्यों बोले तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं होटल में काम करता हूँ, और मैं आप लोग को जो भी रेसिपी बताऊंगा वो रियल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो मैं वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ आलू बैंगन की सब्जी। कैसे बनाते हैं, चलिए वीडियो पे चलते हैं। चलिए आज हमारा शेफ बैंगन आलू का सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, आग लगा दिए हैं, अब इसमें तेल डालेंगे। कितना, 250 ग्राम? यानी कि 400 ग्राम तेल डाल दिए हैं। अच्छा से बना गाइस। देखिए, ये जीरा और राई लिया बैंगन सब्जी बनाने के लिए, और सूखा मिर्ची लिया। अभी देखिए, ऑयल गर्म हो गया, उसको डाल दिया। अभी वो हो गया है फ्राई, वो उसके बाद अनियन डालेंगे। देखिए, अनियन डाल दिया है। ये हमारा शेफ है, बैंगन आलू का सब्जी बनाएगा। देखिए, ये बैंगन काट के अच्छा से धो के पानी में डाल दिया है, पानी में है। अभी गाइस देखिए, ये आलू हम लोग बॉईल कर रहा हूँ, काट के अच्छा से धोआ के बॉईल कर रहा हूँ। देखिए गाइस, इतना टमाटर डालेंगे, सेब काट रहे हैं, धो के ला लिए। अभी धो के लेके आया, टमाटर को स्लाइस काट रहे हैं, बहुत स्पीडी काटता है मेरा सेब। अभी देखिए कितना स्पीडी काट दिया है, टमाटर पूरा कटिंग हो गया है। देखिए, कटिंग पूरा हो गया। अभी तो टमाटर बहुत महंगा हो गया ना, इसलिए कम डाल रहा हूँ। देखिए, मसाला डाल रहा है, नमक हिसाब से देना, मिर्ची और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया, कस्तूरी मेथी। ये देखिए मेरा किचन कितना बड़ा है। अभी देखिए, धनिया पत्ता काट रहा हूँ, बैंगन का सब्जी में डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो गया। देखिए, ऑनियन ब्राउन हो गया है। अभी देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो गया, अच्छा से इसको मिलाएंगे। अभी देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला जो हो गया है। अभी सब मसाला रेडी किया था वो डाल दिया। अभी थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देखिए, पानी ऐड कर दिया।
ये बैंगन आलू का सब्जी हैदराबादी स्टाइल से बना रहे हैं। अभी ये मसाला पकेगा, उसके बाद टमाटर डालेंगे। अभी देखिए उसका ऊपर रगन पूरा आ गया है, अभी उसमें बैंगन ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, अभी मेरा सेफ बैंगन डालेगा। कैसे बैंगन डाल रहे हैं, देखिए गाइस पूरा बैंगन डाल दिया है। अभी स्लो में उसको रखेंगे। अभी धनिया पत्ता का जर्जर डाल दिया है, ज़्यादा धनिया का फ्लेवर आएगा। अभी इसको स्लो में पकाएंगे, जब तक बैंगन नहीं गिला तब तक हम पकाएंगे स्लो में। उसको ढक देंगे, अभी उसको ढक देंगे मिलाने के बाद। अभी देखिए पूरा मिला दिया है, अभी 5 से 10 मिनट तक ढक देंगे। देखिए कलर कैसा, कितना खुशबू आ रहा है दिखने में, खाने में क्या मज़ा नहीं आएगा। देखिए अभी ढक्कन लगा दिया, 10 मिनट तक पकेगा। देखिए कितना स्लो में जल रहा है गैस, ऐसा रखना। और ये 10 मिनट के बाद हम लोग ढक्कन खोलते हैं, तो इतना पानी जो है सो इसको पानी देख सकते हैं, पानी इतना छोड़ दिया है और बॉयल भी हो गया है बैंगन। इसी तरह से आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करें आलू बैंगन की सब्जी। ढक्कन ढकने के बाद 10-15 मिनट छोड़ देना है स्लो गैस में। और फिर आप लोग वीडियो पे बने रहें, पूरे सब्जी बना के दिखाएंगे आप लोग को। और ये पानी सूखने के बाद हम लोग टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। कच्चा बैंगन पकने के बाद जो पानी छोड़ा था वो पानी पूरा सूख गया है, उसके बाद टमाटर डाल देना। और अभी आलू डालना बाकी है, वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, यहीं पे अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये आलू डालना बाकी है, ये तो अभी टमाटर डाले हैं। थोड़ा देर इसको जो सब मिला के ढक देना है, ढक देंगे 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट ढकना है। देखिए ये बैंगन हो गया है, टमाटर फिर निकल गया है, अभी डालेंगे उसमें आलू। अभी देखिए आलू डाल दिया, बॉईल हो गया था आलू। देखिए आलू को मिला दिया। देखिए सब्जी बन गया, उसका ऊपर अभी धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूँ। ओह क्या खुशबू आ रहा है, ये देखिए सेफ टेस्ट कर रहा है। बहुत अच्छा है, बना दिया पूरा। देखिए सब्जी पूरा तैयार हो गया, धनिया पत्ता का खुशबू अच्छा दे रहा है, अंदर से भी डाला ऊपर से भी डाला धनिया पत्ता। अभी सब्जी पूरा रेडी, उसको निकाल लेंगे, अभी उसको राइस के साथ खाएंगे।